दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की, जो कि बिग डिस्प्ले के साथ आती है, जिसकी डिस्प्ले साइज़ है 2.09 इंच की। इन्फिनिटी डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिल जाती है और वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। दोस्तों इस स्मार्ट वॉच को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपको हाई वॉच प्रो, जो कि यहाँ पर बॉक्स पर मेंशन है कि आप इसको डाउनलोड करके इस वॉच को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर पाएंगे। बैक साइड में यहाँ पर देख सकते हैं स्पेस अल्मोनियम केस 49 mm का आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑरेंज कलर का आपको इसके अंदर स्टेप मिल जाता है, जो कि अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी का है। एक हमें इसके अंदर वायरलेस चार्जर मिल जाता है और हमारी स्मार्ट वॉच। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी स्मार्ट वॉच है। यहाँ पर आपको बैक साइड में आपको यहाँ पर ग्लास का सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर जो आपको ओरिजिनल के अंदर आपको यहाँ पर इसको दबाने के लिए यहाँ पर एक बटन रहता है, यहाँ पर स्क्रू होते हैं, यहाँ पर स्क्रू नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन है। यहाँ पर भी कुछ दबाने के लिए आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको दोस्तों एक माइक मिल जाता है और एक क्राउन वर्किंग मिल जाता है और एक बटन, और यहाँ पर भी एक आपको ये बटन और यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है। तो दोस्तों इस स्मार्ट वॉच को ऑन करने के लिए ये वाला बटन आप कुछ देर तक प्रेस करेंगे, सकते हैं हमारी स्मार्ट वॉच जो है वो ऑन हो चुकी है। दोस्तों इसका जो क्राउन है ये वर्किंग में है, आप जैसे ही इसको घुमाएंगे आपके वॉच जो फेसेस हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो मेन्यू है वो निकल कर आ जाएगा। दोबारा से इसको प्रेस करेंगे तो फिर बैक आ जाएंगे। ये वाला बटन आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो लाइट है वो बंद हो जाएगी, और यहाँ पर ऑलवेज ऑन का भी आपको इसके अंदर सपोर्ट मिल जाता है। ये वाला जो बटन है दोस्तों इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स मोड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी। नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब, फ्लाइट मोड, म्यूजिक, टॉर्च और स्टाइल। 6 तरीके का मेन्यू स्टाइल मिल जाता है आपको, और ये यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का भी सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। हमें सेटिंग के अंदर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर चेंज वॉच फेसेस का आपको ऑप्शन मिल जाता है, सीरी, अबाउट, और यहाँ पर लैंग्वेज का भी आपको इसके अंदर सपोर्ट मिल जाता है। कई सारी इसके अंदर आपको लैंग्वेज मिल जाती है, और सीरी का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप सेट टाइम कर सकते हैं, यहाँ पर डेट सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर लाइट का टाइम जो है वो आप सेट कर सकते हैं, और साइड की सेटिंग के अंदर आप जो है स्पोर्ट्स मोड, ब्लड प्रेशर अपने हिसाब से इसके अंदर आप लगा सकते हैं। ऑलवेज ऑन का भी आपको इसके अंदर सपोर्ट मिल जाता है, और बैक लाइट ब्राइटनेस का भी आपको इसके अंदर आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ आपको सेटिंग के अंदर ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि QR स्कैन करके आप इसका एप्लीकेशन हाई वॉच प्रो डाउनलोड कर सकते हैं। गेम के अंदर दोस्तों आपको एक फाइटर पायलट का गेम इसके अंदर आपको मिल जाता है। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आपको इसके अंदर मिल जाती है, ये व्हाट्सएप इसके अंदर नहीं चलता है कुछ लोग। दोस्तों इसके अंदर आपको कैलकुलेटर का भी सपोर्ट मिल जाता है, फेसबुक नहीं मिलती है, फेसबुक नोटिफिकेशन आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, और यहाँ पर कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको इसके अंदर दोस्तों कैलेंडर का भी सपोर्ट मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर हार्ट रेट वगैरह भी आप इसके अंदर जो है अपनी चेक कर सकते हैं, पर इसके अंदर आप जो है दोस्तों बिल्कुल जो है परफेक्ट नहीं कह सकते हैं, बस कुछ हद तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये कुछ दोस्तों इसके अंदर आपको वॉच के अंदर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अदरवाइज़ अगर आप दोस्तों इस स्मार्ट वॉच को मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन आता है जो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो दोस्तों इस स्मार्ट वॉच को मोबाइल से कनेक्ट करने आपको हाई वॉच प्रो एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेना। मैंने उसको डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आएगा। आप इसको परमिशन देंगे इस तरीके से, यहाँ पर एग्री करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे एग्री का ऑप्शन आ रहा है, इस पर एग्री करेंगे आप, फिर यहाँ पर परमिशन आप इसको देंगे, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं सेट वाले पे ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लोकेशन ऑन करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आप लोकेशन अपने मोबाइल की ऑन कर दें। फिर यहाँ पर दोबारा से प्रेस करेंगे तो स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच जो कि हमारी आ चुकी है, इस पर हमने क्लिक करना है, और ये देख सकते हैं दोस्तों अभी जो इसका टाइम है वो आपके सामने ठीक हो चुका है। अभी इसका जो टाइम इस टाइम हो रहा है वो 10:12 हो चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी स्मार्ट वॉच जो है वो मोबाइल से कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखते हैं T900 यहाँ पर अल्ट्रा लिख के आ चुका है। तो दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर राइज टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है। अभी देखें हमारी स्मार्ट वॉच है,
हम इसको हटाते हैं तो इसकी लाइट नहीं जलती है। ये वाला जैसे ही ऑप्शन, इसको हम ऑन करेंगे, ये देख सकते हैं हमारी ऑन हो चुकी है। टाइम है वो रात का सुबह 8 बजे से लेके और रात 11 बजे तक जो है वो हमारा ये राइस टू वेक वाला जो सेंसर है वो काम करेगा। इसका जो देख सकते हैं इससे बंद है, जैसे ही हम सीधी करेंगे ये हमारी लाइट जल जाएगी, इसके अंदर ये चीज़ रहती है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर आपको अलार्म्स मिल जाता है, यहाँ पर जाके आप इसके अंदर अलार्म्स लगा सकते हैं। और तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपको रिमोट शटर का मिल जाता है, यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, इसको आप परमिशन दे दें। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे मोबाइल के अंदर कैमरा ऑन हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं अपने आप बटन बन के आ चुका है। अब जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे 3 सेकंड के अंदर हमारा जो फोटो है वो कैप्चर हो जाएगा, ये देख सकते हैं कैप्चर हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसके अंदर जो है वो कैमरे का इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर आपको मैसेज पुश का मिल जाता है, इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए जैसे कि SMS नोटिफिकेशन, वी चैट रिमाइंड, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, लाइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अदरवाइज और भी स्काइप और जो भी जिन जिन एप्लीकेशन के आपको नोटिफिकेशन चाहिए उसको आप इस तरीके से यहाँ पर जो है ऐसे करके उसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ परमिशन मांग रहा है तो यहाँ पर बैक में जाके आपको यहाँ से परमिशन देना है, इसको परमिशन दे दी है। अब यहाँ से देख सकते हैं हमें ट्विटर ऑन करना है तो ये ट्विटर हमारी ऑन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर दोस्तों आप जो है कॉन्टेक्ट वगैरह सेव करना चाहें तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर अपना फ़ोटो वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर डायल सेटिंग पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे वॉच फेसेस आ जाएंगे, इसके अंदर आप जो सा चाहें इसके अंदर आप लगा सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में हमारा ये जो फोटो है हमारी स्मार्ट वॉच के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टाग्राम तो दोस्त देख सकते हैं 100% हो चुका है और हमारी स्मार्ट वॉच एक बार स्विच ऑफ होकर दोबारा से ऑन होती है। और देख सकते हैं हमने ये वाला फोटो इसके अंदर लगाया और हमारी स्मार्ट वॉच के अंदर फोटो लग चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने फोटो जो है इसके अंदर अपना लगा दिया, ये वाला ये ऑनलाइन वॉच फेसेस था वो हमने इसके अंदर चेंज कर दिया। अगर आप अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो आपको नीचे क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कस्टम वॉच फेसेस लिख के आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर सिलेक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इसके अंदर एक फ़ोटो पड़ा हुआ था, हमने गैलरी के अंदर सिलेक्ट कर लिया, इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है लाइट अपर या कुछ भी यहाँ से चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर जैसे ही इस पर स्टॉल पर क्लिक करेंगे और ये हमारा जो फ़ोटो है वो लगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना फ़ोटो वगैरह लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। नीचे यहाँ पर रीसेट डिवाइस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अदर्स के अंदर आपको वाइब्रेशन सेटिंग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के अंदर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों इस स्मार्ट वॉच के अंदर कॉलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है तो हम आपको कॉलिंग इसकी चेक करा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने 198 डायल करा, यहाँ पर हमने इसको लगाते हैं तो दोस्तों ये हमारा काम नहीं कर। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारी स्मार्ट वॉच कनेक्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर, और इसको जो है अगर आपका कॉलिंग वाला काम नहीं कर रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, सेटिंग में जाना है ब्लूटूथ में और यहाँ पर सर्च करना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सेटिंग के अंदर T900 अल्ट्रा आ चुकी है, इस पर हमने ब्लूटूथ पे क्लिक करना है। दोस्तों एक चीज़ और याद रहे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन है इसको ऑन होना चाहिए, अगर ये ऑन नहीं है तो आपको कॉलिंग के लिए काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर पेयरिंग पे हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हम आपको कॉलिंग करके इसके अंदर दिखा देते हैं 198, जैसे ही क्लिक करा दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा कॉलिंग वाला जो है वो ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कॉलिंग वाला काम करना शुरू कर चुका है दोस्तों, और ये देख सकते हैं यहाँ पर आवाज़ हमने पूरी फुल कर दी है और इसकी आवाज़ जो है दोस्तों काफ़ी कम है, बहुत कम सुनाई दे रही है, पास में कान लगा के आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर आपको बस वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो वॉच के अंदर आपको दोस्तों कॉलिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आवाज़ इसके अंदर काफ़ी कम है। और दोस्तों वैसे जो अगर डिवाइस डिज़ाइन के हिसाब से अगर हम बात करें तो दोस्तों ये स्मार्ट वॉच मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। हमारी स्मार्ट वॉच जो है वो हाथ में कैसी लग रही है आप बता सकते हैं।
और इसका डायल के हिसाब से दोस्तों मुझे एकदम ठीक ठाक लगी है। आपकी जो हथेली का साइज़ है उसके हिसाब से आप चेक करके लें, तो हमारे हिसाब से मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप बता सकते हैं। इसके अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो अमेज़ॉन के अंदर आपको अमेज़ॉन पर 999 रुपये की मिल जाती है और फ्लिपकार्ट पर 959 रुपये की आपको ये देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।